अगर आप यहाँ से पब्लिक स्पीकिंग नहीं सीखते तो आप यही माना जाएगा नहीं सीखे, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना बड़ा कोर्स लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कितने सारे मैंने लाइव सेशंस दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं काउंसलिंग कोड दिया, मेरा पर्सनल नंबर दिया, क्योंकि हारा हुआ व्यक्ति सिर्फ हारा हुआ कह रहा था। कहते हैं दोस्तों कि एक छोटा सा पुश ऑन राइट डायरेक्शन कैन चेंज योर लाइफ। हम अपना फुल डेडिकेशन आपको दे रहे हैं, सारी चीजें बता रहे हैं, सारे टॉपिक्स बता रहे हैं, हमने जितना दोस्तों प्रॉमिस किया वो सारे प्रॉमिस सारे कमिटमेंट्स कंप्लीट किए जाएंगे। केवल हम आपको दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा जाता है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाता है, जहां पर आपको प्रैक्टिस वीडियोस भेजने हैं। जब आप दो चार दस वीडियो बनाएंगे तब तो आपके अंदर पता चलेगा कि आप कैसा बना रहे हैं, उतनी बेसिक कमियां तो आप खुद ढूंढ सकते हैं, मानते सभी लोग। एवरी सैटरडे लाइव सेशन दोस्तों, आप लोग पैसा भी कीजिए, पैसे की होती है कीमत, और पैसा निश्चित तौर पर आपने कीमत से मेहनत से कमाया है, तो प्लीज उस पैसे का एक एक रुपए का फायदा आप सभी को उठाना है। जब तक आप कमिटेड नहीं होंगे, जब तक आप रेगुलर होमवर्क नहीं करेंगे दोस्तों, तब तक रिजल्ट नहीं आएगा, और मैं रिजल्ट ओरिएंटेड काम करने पर भरोसा करता हूं। तो दोस्तों आपने ये जो डिसीजन लिया है पब्लिक स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन मास्टरी का कोर्स लेने का, तो ये बहुत ही अमेजिंग डिसीजन है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन। हमारे जितने भी पब्लिक स्पीकिंग के धुरंधर योद्धा इस सेशन में जुड़े हैं, इस कोर्स को लेने का जो आपने निर्णय लिया है, जो डिसीजन लिया है दोस्तों, एक अमेजिंग डिसीजन है। कहते हैं दोस्तों कि एक छोटा सा पुश ऑन राइट डायरेक्शन कैन चेंज योर लाइफ, स्मॉल पुश ऑन द राइट डायरेक्शन, एक छोटा सा पुश आपने लिया, डायरेक्शन सही रखा, हमारे जीवन को बदल सकता है। ये आपने एक छोटा सा पुश लिया है एक सही डायरेक्शन में। कहते हैं वन स्टेप, मतलब अगर आप किसी चौराहे पर खड़े हैं, एक कदम आप राइट बढ़ा देते हैं, एक कदम या लेफ्ट बढ़ा देते हैं, तो आप सोचिए एकदम अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो दोस्तों आपने ये जो डिसीजन लिया है पब्लिक स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन मास्टरी का कोर्स लेने का, तो ये बहुत ही अमेजिंग डिसीजन है। अब करना क्या है, कोर्स में आ गए हैं, अब आपको हमारी टीम से फोन कॉल आएगा, आप फोन पर रिस्पॉन्स करेंगे, थोड़ा हाय हेलो करेंगे, और कोर्स के बारे में आपको डिटेल दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ क्या होती है, ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। हम तो अपना फुल डेडिकेशन आपको दे रहे हैं, सारी चीजें बता रहे हैं, सारे टॉपिक्स बता रहे हैं, हमने जितना दोस्तों प्रॉमिस किया वो सारे प्रॉमिस यहां पर इस कोर्स में सारे कमिटमेंट्स कंप्लीट किए जाएंगे। बस आपकी जवाबदारी ये है कि जब हमारी टीम आपको कॉल कर रही है तो उस कॉल को बराबर रिस्पॉन्स करें, लॉग इन आईडी पासवर्ड समझें, अपना एक प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करना है, आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना है, उसमें सारे होमवर्क जितने भी होमवर्क आप कर रहे हैं उसी रजिस्टर में करेंगे। जैसे किसी टॉपिक पर स्पीच बनानी है, रफ करना है, फेयर करना है, जो मैं शनिवार के सेशन में लाइव सेशन में जो शेरो शायरी बोलता हूं, अगर तुरंत नहीं लिख पाते कोई बात नहीं, उसकी रिकॉर्डिंग्स आएगी फिर देख कर लिख लीजिए। मतलब एक आपको लगभग 400-500 पेज का एक बढ़िया शानदार रजिस्टर तैयार करना है जिसमें आप पूरा होमवर्क लिखने वाले हैं। So, दोस्तों कोर्स का लॉगिन होगा, सबसे पहले आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा, और जब आप लॉगिन आईडी डालेंगे पासवर्ड डालेंगे pankajshuklaonline.com का, तो उसके अंदर जाने के बाद आपको बहुत सारे कोर्सेस एक्टिव दिखेंगे, जिसमें एक पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स आपको एक्टिव दिखेगा, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस मास्टरी कोर्स आपको एक्टिव दिखेगा, हाई पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपको दिखेगा, मनी मास्टरी का कोर्स दिखेगा, और एक हेल्थ रिलेशन एंड सेटिस्फेक्शन का भी कोर्स आपको मिलेगा। आपको करना क्या है, एक एक कोर्स को क्लिक करना है, उसके अंदर जितने वीडियोस दिए हैं उसको सीक्वेंस वाइज एक एक वीडियो को आपको देखना है, उसके पूरे नोट्स तैयार करना है, और उसके अलावा जो आपको 90 डेज ई बुक मिला है, अगर आपको नहीं मिला तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं, लॉगिन आईडी पासवर्ड में वो ई बुक ऑलरेडी दोस्तों दिया गया है, उस ई बुक को आप लोगों को प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रखें, यस उस पीडीएफ फॉर्मेट में उसका प्रिंट निकाल लें, और उस प्रिंट को अपने पास अपने जहां आप होमवर्क करते हैं वहां रख दीजिए, उसमें डे वन डे टू डे थ्री डे फोर डे फाइव डे सिक्स पूरे होमवर्क दिए गए, तो वो वहां पर सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, उस टॉपिक्स को एक एक टॉपिक्स को आपको अपने वीडियोस तैयार करना। फॉर एग्जांपल सबसे पहला है सेल्फ इंट्रोडक्शन, क्योंकि आप अपने बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं, और सपोज आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, हेलो मैं पंकज शुक्ला, मैं एक लाइफ कोच हूं, मैं एक योग गुरु, इस तरीके से अगर आप अपना खुद का इंट्रोडक्शन सोच सोच के बताएंगे सोचिए क्या इंपैक्ट आएगा। सो योर इंट्रोडक्शन शुड बी वेरी मार्वलस, वेरी स्मूथ। आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन तैयार करना, कैसे तैयार करना, उसके सारे वीडियोस दिए गए हैं। तो ये हो गया लॉग इन आई डी पासवर्ड से जुड़ा हुआ सारा इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा आपको दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा जाता है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाता है, जहां पर आपको प्रैक्टिस वीडियोस भेजने हैं, और जब आप प्रैक्टिस वीडियो भेजेंगे तो शुरू के 20-30 दिन सिर्फ वीडियो भेजते रहिए, डोंट एक्सपेक्ट कि उस पर बहुत ज्यादा लोग रिएक्ट कर रहे नहीं कर रहे कुछ मत सोचिए, क्योंकि ऐसा क्या होता है कि कुछ दो चार वीडियो भेज देते हैं उसी पे सारा चाहते कि सारे रिएक्शंस मिल जाए, हाउ इज दिस पॉसिबल,
जब आप 2-4-10 वीडियो बनाएंगे तब तो आपके अंदर पता चलेगा कि आप कैसा बना रहे हैं। उतनी बेसिक कमियां तो आप खुद ढूंढ सकते हैं। मानते सभी लोग पहले वीडियो बनाए, पहले होमवर्क किए तो आपको खुद पता चलेगा ना यार कि मेरा इफेक्टिव नहीं है। सर कैसे भाषण देते हैं, बाकी लोग कैसे भाषण देते हैं, तो मेरा तो इफेक्टिव नहीं है। तो पहले 10-15 दिन का होमवर्क बिना कुछ सोचे छापड़ लगा के, जैसे घोड़े को छापड़ लगाते हैं, ब्लाइंडली आपको करना है। उसके बाद देखना टीम में अगर रेगुलर आपके वीडियोस आते हैं, फिर लोग रिएक्ट करना चालू करें, हमारी टीम, हम भी उस पर कमेंट करते हैं, बाकी जो टीम के मेंबर्स हैं वो सभी लोग कमेंट करेंगे, और धीरे 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 आपके अंदर की सारी कमियां खत्म होते जाएगी और पावरफुल स्पीकर बनते जाएंगे। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों जोड़ा जाएगा। इसके अलावा एवरी सैटरडे लाइव सेशन होता है, डोंट मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। दोस्तों आप लोग पैसा भी कीजिए, पैसे की होती है कीमत, और पैसा निश्चित तौर पर आपने कीमत से मेहनत से कमाया है, तो प्लीज उस पैसे का 1-1 रुपए का फायदा आप सभी को उठाना है। गेटिंग तो शनिवार का जो सेशन होता है आप सभी को अटेंड करना है, क्योंकि बहुत पावरफुल सेशन होता है। खैर अगर नहीं भी अटेंड कर पाए नो वरी, उसका आप लोगों को दोस्तों रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाती है, ताकि वो रिकॉर्डिंग्स आप देख कर बाद में उसे सीख सके और एक 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 पॉइंट आप उसे नोट डाउन कर सके। तो इस तरीके से दोस्तों ये इंटायर कोर्स है। सबसे पहले प्रॉमिस करें कि सर मैं होमवर्क करूंगा, प्रॉमिस करें सभी लोग। जब तक आप होमवर्क करेंगे नहीं तब तक जुबान पे धार नहीं लगेगी, और जुबान पे धार लगाना है तो मेहनत करना पड़ेगा। बिना कमिटमेंट के, बिना मेहनत के किसी को दुनिया में दोस्तों कुछ मिला नहीं है, ना किसी को मिलने वाला है। तो आपको मेहनत करने की तैयारी रखना पड़ेगा। और कितनी मेहनत, थोड़ी 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 नहीं, देखिए दो लोग होते हैं समाज में। अगर मुझे बताइए कोई व्यक्ति जब जीतता है कोई व्यक्ति हारता है, हार और जीत में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का फर्क होता है। गोल्ड मेडलिस्ट आप अगर आप देखेंगे दोस्तों की जो ओलंपिक गेम्स होते हैं, जो गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज तीनों को मेडल मिलता है ना, तो कॉमन आंखों से देखने वालों को तीनों एक साथ पहुंचते हैं, बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का फर्क होता है। और आपको मैं बताऊं जो फोर्थ नंबर पे रहता है ना वो ऑलमोस्ट तीनों के साथ रहता है। यही हार और जीत का फर्क है। जब आप मेहनत करने निकल रहे हैं तो याद रखो सीधा गोल्ड के लिए मेहनत करना है, क्योंकि हारा हुआ व्यक्ति सिर्फ हारा हुआ कहलाता है। अगर आप यहां से पब्लिक स्पीकिंग नहीं सीखते तो आप यही माना जाएगा कि नहीं सीखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने इतना बड़ा कोर्स लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता कितने सारे मैंने लाइव सेशंस दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं काउंसलिंग कोड दिया हूं, मेरा पर्सनल नंबर दिया हूं। जब तक आप कमिटेड नहीं होंगे, जब तक आप रेगुलर होमवर्क नहीं करेंगे दोस्तों, तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। और मैं रिजल्ट ओरिएंटेड काम करने में भरोसा रखता हूं। मेरा मानना है दोस्तों एवरी एक्टिविटी मस्ट हैव प्रोडक्टिविटी, अगर कोई एक्टिविटी है उसमें प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी लोग इसी कमिटमेंट के साथ पब्लिक स्पीकिंग का ये कोर्स सीखेंगे। मिलते हैं दोस्तों लाइव सेशंस में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत